Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for an MAT 2023 exam, because in this video I'm going to discuss about the dedicated study plan, 40 days study plan for NMAT starting from 24th September till 4th November. So guys, काफी लोग अपेंग आ रहे हैं regarding this कि कोई अगर अभी से NMAT की preparation start करता है तो क्या possibility है NMIMS Mumbai से call आने की. तो मैं बोलूंगा definitely possibility आने की, because NMAT exam जो है वो structured है, उसमें कुछ फिक्स वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, अनलाइक स्नैप एंड बाकी एग्जाम्स, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में रैंडम चीजें होती हैं. सो गाइस, इस वीडियो में मैं दो चीजें करने वाला हूँ. पहले तो आपको बताऊंगा कि एनमैट की हम लोग स्टडी करेंगे कि एनमैट में टॉपिक्स में फोकस किसमें ज्यादा होता है, क्योंकि जब से जीमैक आ गया है तब से कुछ टॉपिक्स फिक्स हो गए कि इतने क्वेश्चन के आते हैं, तो ये अच्छी बात है एनमैट की. तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, एक ब्रॉड आइडिया लगेगा, फिर हम आपको बताएंगे 40 डेज का प्लान, 8 डेज का शेड्यूल लेके. तो गाइस, ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी है कि एक्चुअली आपको कहाँ फोकस करना है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस, सो गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप से इनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा. प्लस व्हाट्सएप चैनल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप ने किया है, तो मॉक जोन का चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट्स आते रहेंगे, कोई भी बी स्कूल का अपडेट आएगा यहाँ पे, ठीक है. चलो गाइस, बात करते हैं. सो गाइस, देखो टाइम टेबल से पहले मेन चीज ये है कि जो आपके तीन सेक्शंस आते हैं एनमैट में, क्वांट्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया एंड लैंग्वेज स्किल्स हो गया. तो गाइस, अगर ध्यान से आप देखोगे तीनों के 36 क्वेश्चंस होते हैं, राइट. तो 36 क्वेश्चन में एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मेनली, पहले वो इंपॉर्टेंट है. 36 में गाइस अगर ब्रॉड आइडिया लू तो 20 क्वेश्चंस प्रॉपर क्वांट्स के होते हैं, 4 क्वेश्चंस बीएस के होते हैं एंड बाकी 12 क्वेश्चंस आपके डीआई के होते हैं, ठीक है. तो डीआई डीएस को भी साइड में रखो, जो 20 क्वेश्चंस आपके जो पॉइंट्स होते हैं इसमें बाइफर्केशन देखो आप, जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसमें से मानो कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हो जाएंगे. बाकी गाइस, एल्जेब्रा की अगर बात करूं, पहले एल्जेब्रा से पहले पीएनसी प्रोबेबिलिटी एनमैट का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, हर साल मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन मान लो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, ठीक है. तो 9 क्वेश्चंस अर्थमेटिक, 5 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी, ये फिक्स होते हैं. 14 क्वेश्चंस आपके यही हो गए 20 में से, ठीक है. अब गाइस, आपके 6 क्वेश्चंस हैं. अब वो 6 क्वेश्चंस में गाइस, ये मान लो कि 3 क्वेश्चन आपके एलजेब्रा के आ गए, ठीक है, और आप 3 क्वेश्चंस आपके नंबर्स के मान लो, ऐसा इस तरह कुछ आप कर सकते हो. तो अर्थमेटिक, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एलजेब्रा, नंबर्स, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, रेशियो ऊपर नीचे हो जाएगा. 4 क्वेश्चन एलजेब्रा के आ जाए, कभी कभी बाई चांस एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी आ सकता है, ठीक है. तो ज्योमेट्री जनरली एनमैट नहीं देता है, बिकॉज ऑफिशियल गाइड में मेंशन नहीं उसका, ठीक है, बट आप ज्योमेट्री पढ़ के जाओ. बट अगेन, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर वे में करना है, प्रायोरिटी हमको उसको देनी है जो ज्यादा आता है पहले, ठीक है. तो क्या था, ध्यान से देखो तो पूरी क्वांट्स में क्या इंपॉर्टेंट है मेनली, अर्थमेटिक, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एल्जेब्रा में गाइस 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बताऊंगा मैं उसका आगे शेड्यूल में. क्वालिटेटिव क्वेश्चन, एपीजीपी, लॉगरिथम्स, इसी से क्वेश्चन आते हैं. तो गाइस, 20 क्वेश्चंस आपके ये कवर हो गए. अब बस आपका डीएस बचा है, डीएस आपको करना होता है प्रैक्टिस के, वो आगे बताएंगे पूरा, और ये आपका डीआई है, ठीक है. तो मेनली ब्रॉड आइडिया ये है कॉन्स का. एलआर में अगर बात करूं गाइस, एलआर में भी सेम चीज है, 36 में से करीब 17 से 18 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं, एक सेट इनपुट आउटपुट का आना ही आना है, नंबर बेस्ड, हमने वीडियो बनाया यूट्यूब पे, ठीक है. 4 क्वेश्चन वो मान लो, 1 या 2 पजल आते हैं, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, 4 क्वेश्चन और मान लो. तो गाइस, 18 + 4 26 क्वेश्चन 36 में यही हो गए, 3 टॉपिक्स है, क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, पजल. पजल कभी कभी 2 भी आता है, कभी 1 आता है. बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे आपके, नंबर सीरीज, मिसिंग फिगर, साइलोजिज्म, ये, ठीक है, नंबर सीरीज, मिसिंग फिगर, साइलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, ये मान लो आप, ठीक है. तो ये चीज आपका हो गया, ठीक है. तो कई बार ऐसा भी हुआ कि इनपुट आउटपुट के 2 सेट आ गए, या पजल्स के 2 सेट आ जाते हैं कई बार. अगर पजल के 2 सेट आ गए तो क्या बचा, फिर तो +4 और तो 6 ही क्वेश्चन बचे. तो मतलब एक तरह से आपको क्या पढ़ना है, क्रिटिकल रीजनिंग पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी इनपुट आउटपुट और पजल्स. तो ये 3 टॉपिक मिला के गाइस आपका 70-80% आपका एलआर हो गया एनमैट का. बट दिस इज नॉट द केस विद स्नैप, स्नैप ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो आप जब से जीमैक आ गया ना, एक्चुअली बात किया, मैं आपको बताता हूँ, पहले 3 साल पहले एनएमआईएमएस यहाँ पे एनमैट था, ठीक है. तो उस टाइम पे सब कुछ आता था जो स्नैप में आता था. जब से जीमैट ने ले लिया एनमैट को, ठीक है, 3 साल पहले,
सबसे पेपर अडेप्टिव हो गया क्योंकि जीमैट टाइप का हो गया वो, और थोड़ा इसको बायस कर दिया क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ, क्योंकि अगर आप जीमैट दोगे कभी, जीमैट है बहुत ज्यादा इंग्लिश फोकस होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 साल पहले से ऐसा हो रहा है, वरना पहले एलआर सब कुछ आता था, क्लॉक्स कैलेंडर्स वगैरह, थोड़ा गायब कर दिया उसको। ठीक है, तो वो कर लो वर्स्ट केस में, मैं ही नहीं बोला पढ़ना नहीं आप। अब गाइस बात करते हैं इसकी, एलएस की लैंग्वेज स्किल्स में बेसिकली क्या होता है, मेनली 8 आरसी आ गए, मतलब 2 आरसी के 8 क्वेश्चन, 4 पैरा जंबल। ठीक है, ये मेनली हो गया, बाकी आपके 6 क्वेश्चन हो गए एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन के। ठीक है, ये आपके हो गए 12 क्वेश्चन, 12 और 18 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी गैस फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामर हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं बस एक बाइफर्केशन बता रहा हूँ, ठीक है, मेन मेन। अब मेन बात करते हैं गैस, क्या आपको पढ़ना क्या है। तो गैस 24 से जो शेड्यूल दे रहा हूँ उसको फॉलो करो आप। ठीक है, ये एग्जैक्टली अनमैटली बनाया गया है, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स हटाए हुए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, बट अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है गैस, अगर ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे एक डिटेल मैनर में, सरफेस लेवल नहीं पढ़ना, एक डिटेल मैनर में पढ़ के जाओगे, तो आराम से आपका 232 स्कोर आ जाएगा, जो मुंबई का कट ऑफ है। ठीक है, देखो गैस 24 से 30 सितंबर तक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशन प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लो। ठीक है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप 20-20 क्वेश्चन सबके लगा लो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म कर लो, वीआरसी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ये दोनों चीजें आपको ग्रामर एरर स्पॉटिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रामर का पार्ट है, इसलिए जो आपका एरर स्पॉटिंग सेंटेंस करेक्शन आता है इसी से आता है। अब गाइस 4 से 10 अक्टूबर तक क्या करना है आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेजेस एलिगेशन मिक्सचर्स SI CI ये करना है आपको, बाकी गाइस एलजेब्रा में ABGP करना है आपको। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आप क्या करना है, इनपुट आउटपुट करना है, हर तरह का कर लेना, नंबर बेस भी कर लेना, यूट्यूब पे हम लोगों ने बनाए 2 सेट्स का वीडियो, वो देख लेना। फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दो, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट, फोर्स ऑफ एक्शन, इसका कंसेप्ट समझने के बाद कम से कम 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपकी मॉक से हो जाएगी। फिर आपका VRC है, पैरा जंबल्स, एनालॉजीज, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, 11 से 18 अक्टूबर तक गाइस क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, PNC प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी हमने नंबर्स के पहले इसको रखा है बिकॉज का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी, पैराग्राफ बेस्ड CR भी आती है गाइस। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग आर्ग्यूमेंट, इस तरह क्वेश्चंस, इसका आपको अच्छा सोर्स मॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, ये आपका हो गया, इसके आप ये सेट्स होते हैं, इनके आप करीब 5-5 या 10-10 सेट प्रैक्टिस कर लो। बाकी गाइस VRC में प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस कर लो, एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस कर लो। VRC में फ्रेंकली बताऊँ पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। 19 से 27 अक्टूबर तक क्या करना है आपको, नंबर्स, ज्योमेट्री, नंबर्स अच्छे से कर लेना, ज्योमेट्री देख लेना बेसिक से एक बार, हो सकता है डेटा सफिशियंसी में आ जाए। ठीक है, और गैस वर्स्ट केस में रहो, ज्योमेट्री भी आ सकती है, अब देखो होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसी बार एनमैट पैटर्न बदल दे, स्नैप की तरह हो जाए सब कुछ, कोई वी नेवर नो, बट जो होता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज टाइम कम है। ये सोचो कि आप 24 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आपने पहले से स्टार्ट किया तो बहुत कुछ कर चुके होते हैं। ठीक है, बट मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपने सीरियसली अभी पढ़ना शुरू किया है। लॉजिकल रीजनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस, VRC है, फिर अंदर ब्लैंक्स एंड 15 RC प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाकी तो मॉक से जो प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा उससे। बाकी गाइस 28 से 4 नवंबर आपको डेटा सफिशिएंसी अच्छे से करनी है, इसका बेस्ट सोर्स क्या है कि हमने 2 वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब पे, वो 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए हैं प्लस पूरे बेसिक बताया है, वो आप देख लोगे तो आपके चारों चारों क्वेश्चन सही जाएंगे, ये पक्की बात है। पर गाइस डेटा सफिशियंसी सही होने के लिए आपको इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन सब की नॉलेज है तो बस रूल्स होते हैं DSE, वो रूल्स इतने इजी नहीं होते, बट हमने वीडियो में समझाया अच्छे से। बाकी गाइस DI की प्रैक्टिस कर लो, DI में मेनली कंसेप्ट बहुत नहीं होते, प्रैक्टिस करो तो अच्छे से हो जाएगी। बाकी वर्स्ट केस के लिए क्लॉक्स कैलेंडर्स कर लो, स्नैप में तो बहुत आता है, एंडमैट में कम दिखता है। ठीक है, बट आ सकता है वर्स्ट केस में, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे बिकॉज 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना उसमें, आ सकता है। सेट थ्योरी वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। ठीक है, बाकी गाइस VRC वोकैब रिवीजन, पैराजंबल्स प्रैक्टिस, गैस 4 नवंबर तक आपका अच्छे से पूरा कवर हो सकता है। तो गैस ये टॉपिक्स आपके जो हैं, इन्हीं टॉपिक्स से पूरा फोकस करो स्टार्टिंग में। ठीक है, जिन्होंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है अभी, मतलब आप ये मान लो कि आपको पढ़ना, अगर आप स्नैप भी दे रहे हो तो पढ़ना तो स्नैप भी आपको ये पड़ेगा, बस प्रायोरिटी इनको रखो, पहले ये करो बाकी बाद में करो। ठीक है, बाकी चीज बाद में करो, पहले ये कर लो। तो गैस एग्जैक्टली इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ोगे डिटेल मैनर में, तो आराम से आपका एनमैट अभी भी क्रैक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनमैट का पेपर बहुत टफ नहीं आता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो गैस को अच्छे से करना। ठीक है, बाकी गैस
हम लोग के लिए 24 सितंबर को मॉक जोन की थर्ड एनिवर्सरी है, सो वी आर प्रोवाइडिंग अप टू 20% ऑफ ऑन मॉक्स एंड कोर्सेस, कोर्स एंड मॉक्स में हम लोग 20% ऑफ दे रहे हैं कुछ कुछ कोर्सेस में, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंट है, ठीक है। तो काफी लोग अपेक्षा आ रहे थे रिगार्डिंग मॉक्स एंड मैट स्नैप के, सो गाइस ये आपके सामने ऑफर है। जैसे हम लोग का जो एनमैट स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स है, कोई अगर अभी भी स्ट्रक्चर में करना चाहता है, तो हम लोग का 18 सितंबर से एनमैट स्नैप का कोर्स लॉन्च हुआ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, जो क्लासेस होती सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप इन टॉपिक्स को हम लोग के कोर्स से कर सकते हो। और डिटेल इतना है कि 15 क्लासेस सिर्फ पीएमसी प्रोबेबिलिटी की होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग फोकस करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना उसके अलावा। बाकी जो एनमैट स्नैप कोर्स है उसका प्राइस 599 का, बट अभी 29 सितंबर तक का ऑफर है, आपको 499 का मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका मॉक्स जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड है, 12 एनमैट मॉक्स, 15 स्नैप मॉक्स, काफी रिलेवेंट मॉक्स होते हैं इन लोगों के। तो गाइस ये ऑफर काफी वैसा है मतलब, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसआरसीसी का बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से, इसका प्राइस भी है सीमैट का, टेस्ट का, कैट का क्रैश कोर्स, जो लोग अभी क्रैश कैट को करना चाहते हैं डिसेंट वे में, अच्छे से करोगे इसका यूज करोगे 90% का चांस काफी ज्यादा होगा एटलीस्ट, ठीक है। 699 का है, बाकी नॉन कैट कोर्स में भी आपका डिस्काउंट है, ठीक है, तो ये आपका है। बाकी गाइस और कोर्सेज आप पॉज करके दे सकते हो, ये सब बैचेस हम लोगों के सीमैट टेस्ट सीईटी एसआरसीसी चारों बैच 25 से स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल जीरो से, और इन सब में डिस्काउंट है अभी 5 दिन के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो उनको, वेबसाइट पूरी अपडेट हो चुकी है, वेबसाइट में जो प्राइसिंग है डिस्काउंट के बाद ही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। बाकी गाइस मॉक्स की बात करें तो काफी लोग एनमैट स्नैप्स का मॉक देख रहे थे, तो गाइस जो लोग मॉक्स लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ऑफर है, एनमैट के मॉक्स स्नैप के मॉक्स सब 999 के हो गए। प्लस सबसे बेस्ट बात, एनमैट स्नैप मॉक्स का कॉम्बो आपका जो 2200 का था वो 1899 का हो गया है सिर्फ 5 दिन के लिए। और गाइस हर एक मॉक मैं खुद बनाता हूँ, मॉक्स काफी रेलिवेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होंगे। अभी अनमैट स्नैप में 5-5 मॉक्स लाइव है, इस मंथ के एंड में सारे मॉक्स लाइव हो जाएंगे, बाकी बेस्ट है कि ऑल एग्जाम मॉक्स, ठीक है, ये तो आप आराम से देख सकते हो। कैट के मॉक्स भी काफी रेलिवेंट होते हैं हम लोगों के, कैट के मॉक्स हम लोग ऐसे होते हैं कि एक्चुअली जो कैट आता है ना बहुत नॉर्मल लेवल का जो होता है, मतलब बहुत टफ भी नहीं, वैसे होते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत टफ मॉक्स दो तो हो सकता है डीमोटिवेट हो जाओ, ये मॉक्स बेस्ट होंगे। बाकी जो कैट एंड मेडिसिन दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो गाइस बाकी ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स हैं, गाइस वेबसाइट में ब्रोशर भी मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है, उस ब्रोशर में मैंने सब डिटेल्स दी अभी, आप देख सकते हो आराम से। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ये नंबर है, कोई भी डाउट आता है किस तरह का भी, कोई क्वेरी अगर है समझ में नहीं आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।